नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। मैं इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के कटवड़िया सराय इलाके में हूँ। ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं और इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी के नाम से बदलकर उसे मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलना ही काफ़ी है या फिर भारत के खिलाड़ियों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, इस मुद्दे पर आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। तो आइए हम बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं तो ये कहूँगा जो नाम चेंज कर दिया है उसमें तो हमें खुशी है, अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे दूसरे देशों में काफ़ी वो जो खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही हमारे देश में भी बच्चों को प्रोत्साहन मिले, सुविधा मिले, तो वो आगे कोशिश करेंगे बढ़ने की। कुछों के पास जूते या किट नहीं होती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो चीज़ मिलेंगी तो उनको भी हौसला बढ़ेगा। आज जो खुशी एयरपोर्ट पर हुई है तो आगे भी बच्चों के मन में भी आएगा कि हम भी ऐसा करेंगे तो देश का नाम भी होगा और हमारा नाम भी होगा। जी, तो आपको लगता है कि नाम बदलने के पीछे इतनी मेहनत करना, उससे बेहतर ये नहीं होता कि वो शायद इनको कुछ सुविधा मुहैया करवाते ताकि ये 7 नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा पदक आ पाता हमारे पास? देखो, ये तो है, अगर उनको जैसे मैंने बताया कि उनको किट है या कोई खिलाड़ी के पास, किसी के पास हॉकी नहीं है तो सरकार या कोच उनको दे, उसको और प्रोत्साहन मिले कि भाई मेरा पॉकेट अलाउड नहीं कर रही थी और मेरे को सुविधा मिले तो मैं अब खेलूँगा भी थोड़ा सा, कुछ बीच में अगर खाने का नाश्ता कुछ ऐसा मिले तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और पदक आएंगे। अच्छा, नाम बदलने वाले बात पर ऐसा नहीं लगता कि कुछ और भी तरह की जो दूसरा मेडल है उस तरह का कुछ नाम बदलने से अच्छा होता कि कुछ नया एडिशन किया जाता, जैसे एक वो भी खेल रत्न पुरस्कार है, एक और भी कुछ पुरस्कार नया, या फिर उसी का नाम बदलना आपको लगता है सही है? क्योंकि अब जैसे जैसे सरकारें आएंगी तो वो अपने हिसाब से सभी नाम बदलते जाएं, उससे देखो मैं तो ये कहूँगा ये बहुत पुराना प्लेयर था। जी, इंडिया में प्लेयर हॉकी का कोई प्लेयर नहीं है। जी बिल्कुल, इसका नाम रखना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, ध्यानचंद जी ने पदक भी बहुत ज्यादा जीते थे ओलंपिक में, 8 गोल्ड लगातार जीते थे। जी बिल्कुल, इससे अच्छा हिंदुस्तान में कोई प्लेयर आज तक हो क्या नहीं हुआ। इसका नाम रखना बहुत जरूरी था, ये तो गवर्नमेंट लेट ने इसे पहले कर देना चाहिए था, इसका नाम इसके पहले करना। जी बिल्कुल, तो नाम बदल देना ही काफी है? नहीं, सुविधा देनी चाहिए, कोच देनी चाहिए, खड़े खोलने चाहिए, जिम खोलने चाहिए, सबको सुविधा होनी चाहिए हर काम में। अच्छा, और नाम बदलना सही है, कोई नया भी तो एक पुरस्कार रखा जा सकता था उनके नाम? नहीं रखा जाए, लेकिन इसका नाम ही रखना जरूरी था, ध्यानचंद का नाम आना बहुत जरूरी था। जी, अच्छे प्लेयर का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा? अब अगर सरकार बदलती है और फिर वो नाम बदलती है तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम नाम रखेंगे अपने हिसाब से? नहीं, बुरा लगेगा जब इसका किसी का नाम बदलोगे तो बुरा लगेगा, हमें भी लगेगा, सबको बुरा लगेगा। अच्छा, तो मतलब अब जो बदला वो बुरा नहीं है लेकिन अगर अब बदलेगा तो बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अच्छा, इसका कारण? अरे, ये प्लेयर का नाम तो होना चाहिए ना, प्लेयर का नाम तो स्टेडियम होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, जो अच्छे प्लेयर का नाम नहीं हो तो किसका नाम होगा? अच्छा, तो मतलब कोई भी जो स्टेडियम है या कोई भी पुरस्कार है वो आपको लगता है उसी क्षेत्र के खिलाड़ियों के नाम से होना, खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, चाहे वो पहले का हो या अभी का? खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, पॉलिटिशियन के नाम से नहीं होना चाहिए कोई स्टेडियम। अच्छा, तो जो कई स्टेडियम के भी नाम बदले गए हैं पॉलिटिशियंस के नाम से तो उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा बदलेगा यार, जैसे मोटेरा? नहीं, नाम नहीं, प्लेयर का नाम होना चाहिए, प्लेयर का नाम होना चाहिए। तो फिर आपको लगता है कि वहाँ पर वो गलत है? वो गलत है। ठीक, जैसे ये सवाल उठ रहा है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो उसको नाम चेंज करेगी, मैं तो चाहूँगा दूसरी सरकार आएगी नाम यही रखे, कुछ और सुविधाएं बढ़ाए ताकि उसका नाम हो, ये नहीं कि नाम वो अपना नाम अपने हिसाब से चेंज कर देगी तो उसकी तारीफ होगी। लोगों को सब समझते हैं आज के टाइम में, अगर कोई सरकार आके अपने किसी राजनीतिक का या किसी और का नाम चेंज करेगी तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अगर अभी इस वक्त अगर नाम बदलने को जनता ने सपोर्ट किया तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रेंड बन सकता है कि हम हमेशा नाम ही बदले सकते, क्योंकि जनता सपोर्ट कर रही है? नहीं देखो, ये तो अभी एक शुरुआत हुई है और आगे मैं चाहूँगा तो ये है कि ऐसे सरकार बदलने से नाम चेंज ना हो बल्कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए। अच्छा, एक और सवाल, हमें गोल्ड नहीं मिल रहा था, बड़ी प्रतीक्षा थी
और जैसे ही नाम बदला गया गोल्ड मिल गया, और इस पर कहा गया कि नाम बदलने का असर ये था। अब इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, वो उसकी अपनी मेहनत है और ये जो गोल्ड है ये अपनी जगह है, और नाम जो चेंज करना उसका अलग मैटर है। अब और कोई खिलाड़ी थे वो फाइनल में जाके फिर वो सेकंड पे आ गए, तो उसका कोई मैटर नहीं है, उसकी अपनी मेहनत है। अच्छा, इन खिलाड़ियों के लिए आप एक संदेश जो नेशन मिरर के माध्यम से देना चाहें, जो जीत कर आज यहाँ आए हैं, उसको देखकर औरों को भी लगेगा और उनको भी लगे। जैसे बजरंग ने आज भी बोला है कि मेरे ये जो मेडल जीता है, अगली साल मैं कोशिश करूँगा कि इसका रंग बदल के और ऊपर मैं